एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा कुमार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कुर्ताज एंड कुर्ता सेट, जिन्हें कि मैंने मीशो से लिया है। तो आज जो भी कुर्ता और कुर्ता सेट शेयर करूँगी वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपके साथ है। और आज की वीडियो में मैं एक ड्रेस भी शेयर करने वाली हूँ जो कि बिल्कुल पार्टी वेयर और मुझे बहुत अच्छी लगी और मीशो पे काफ़ी कम प्राइस में भी मिल रही थी, इसलिए मैंने इसे लिया है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसे ले चुके होंगे क्योंकि यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, बट मुझे भी ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे बाय किया है। तो अगर आपने अभी तक मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मीशो का लिंक दे रखा है। आप मेरे दिए हुए लिंक से अगर मीशो ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 30-40% का ऑफ मिल जाएगा आपके फर्स्ट परचेज पे। जो कुछ भी आप बाई करना चाहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो दिखा रही हूँ वही आपको बाई करना है। आप जो भी बाई करेंगे आपको 30-40% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ऑफ हो जाएंगे उसकी प्राइस। तो मेरे दिए हुए लिंक से मीशो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप मीशो के बारे में नहीं जानते हैं तो मीशो जो है वो इंडिया की नंबर 1 रीसेलिंग एंड अर्निंग ऐप है। इसके थ्रू आप घर बैठे रीसेलिंग करके पैसे कमा सकते हैं, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं जैसे आप अदर वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं। तो फ्रेंड, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लिंक नहीं आई मीन कोड, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कोड मिल जाएगा क्योंकि मीशो के तो लिंक होते नहीं हैं। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी अनारकली कुर्ता। तो मैंने बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये वाला अनारकली कुर्ता लिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्रिटी कुर्ता है ये, आप देख सकते हैं, और रेयॉन की फैब्रिक में है और इस पर पूरे पे प्रिंटिंग की गई है। तो मुझे ये वाला कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा था और इसकी लेंथ वगैरह बहुत अच्छी है। मतलब मेरी जो हाइट है वो 5'3" है, मैं आपको बता दूं। तो जो लेंथ है इसकी बहुत अच्छी है, लॉन्ग कुर्ता है, बिल्कुल मैक्सी ड्रेस वाला। तो कुछ इस तरह की इस पर आपको प्रिंटिंग देखने के लिए मिल जाती है, आप देख सकते हैं पूरे पे आपको भर के प्रिंटिंग मिल रही है। ये इसके नीचे का पार्ट है, यानी कि एज अ बॉर्डर आप देख सकते हैं पूरे पे भर के प्रिंटिंग है, साथ में फॉयल प्रिंटिंग भी की हुई मिल जाती है कुछ इस तरह की। तो पूरा जो कुर्ता है वो कुछ इसी तरह का है, और फ्रंट और बैक दोनों में ही आपको कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से वर्क मिल जाता है, ऐसा कुछ वर्क है। और बहुत ही अच्छे से कलियाँ इस पर बनाई गई हैं, 4 से 5 कलियाँ आपको मिल जाती हैं फ्रंट में, और बैक में कुछ इस तरह से ही 5-10 कलियाँ हैं टोटल। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू कलर है, नेवी ब्लू कलर, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये कुर्ता मुझे लगता है। तो इसे आप आराम से, आप चाहें तो घर पे भी कैरी कर सकते हैं, या फिर पार्क वगैरह अगर आप कहीं जा रहे हैं या छोटे मोटे जगह पे जा रहे हैं तो आप इसे कैरी करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा और काफ़ी स्टाइलिश भी लगेगा। नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीक्वेंस वाला ड्रेस, और ये बिल्कुल पार्टी ड्रेस है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी मिला है मुझे, और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। पूरे पे आपको सीक्वेंस का वर्क मिल जाता है रेड कलर से, और इसका जो बेस है वो ब्लैक में है। तो बहुत ही आप कह सकते हैं स्टाइलिश ड्रेस है ये, आप डेफिनेटली इसे बाई करिए क्योंकि ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक में है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और अगर किसी पार्टी वगैरह में आप पहन के जाते हैं तो बहुत अच्छा लुक आएगा, वेस्टर्न वेयर है जाहिर सी बात है, तो आप आराम से अगर चाहें तो इसे कैरी कर सकते हैं। अगर आप कुछ ब्लैक कलर के मोज़े वगैरह, जिसको शायद स्टॉकिंग्स कहते हैं, उस तरह भी कैरी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, या फिर आप इसे वन पीस एज ए पहनते हैं तो भी बहुत अच्छा लगने वाला है। तो कुछ इस तरह का है ये, बिल्कुल इसी तरह की डिज़ाइन आपको पूरे ड्रेस पे मिल जाती है, सीक्वेंस का वर्क है, 3-4 स्लीव्स हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर अंदर की बात करें तो अंदर में आपको इनर भी ब्लैक कलर का मिल जाता है और साथ में ये बेस मिल रहा है, तो ये बिल्कुल भी आपको चुभने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही वाला है तो चुभेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है ये। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी येलो कलर का कुर्ता सेट, और इसमें मैंने एक कलर और ब्लू कलर लिया है जो आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो ये आप देख सकते हैं चंदेरी सिल्क वाली फैब्रिक में आपको मिल जाता है, कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है ये, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो कुछ इस तरह से चंदेरी सिल्क वाली फैब्रिक है, इसमें बहुत सारे कलर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे तो मैंने ये वाला कलर लिया है। ये इसकी नेकलाइन है कुछ इस तरह की, ये बटन ओपन होता है ताकि आप इजीली पहन पाएँ। स्लिप्स की बात करूँ तो 3/4 आपको स्लिप्स मिल जाती हैं कुछ इस तरह की, देख सकते हैं आप। और बैक में भी बिल्कुल सेम फैब्रिक है क्योंकि पूरी फैब्रिक ही कुछ इस तरह की है। स्लिप्स पे आपको यहाँ पे गोटा पट्टी भी लगाई हुई मिल जाती है कुछ इस तरह की, देख सकते हैं दोनों ही तरफ। तो ओवरऑल ये वाला जो सेट है वो भी बहुत प्रिटी है छोटे मोटे फंक्शंस या पूजा में पहनने के लिए। साथ में आपको मिल जाता है पैंट जो कि बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है, चंदेरी कॉटन की फैब्रिक है, इलास्टिकेटेड है और थोड़ा लूज़ है क्योंकि इसमें लार्ज साइज ही अवेलेबल थी, तो आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग फिट करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की इलास्टिकेटेड मिल जाती है, बहुत ही प्रिटी कुर्ता सेट है। और इसमें जो अदर कलर्स अवेलेबल थे आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ये वाला कलर पसंद नहीं आ रहा है तो। मैं शेयर करूँगी ये पिंक कलर का कुर्ता जो कि बहुत ही प्रिटी है और कॉटन की फैब्रिक में है।
तो समर सीजन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाला कलर लिया है, क्योंकि मैंने इस कुर्ता में बहुत सारे कलर्स लिए थे बट ये पिंक भी मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसे मंगवाया है। तो कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है जैसे कि बताया था। स्लीवलेस आपको मिल जाता है कुर्ता और प्योर कॉटन की फैब्रिक में है। साइड से स्लिट है, मतलब जो नॉर्मल कुर्ताज होते हैं बिल्कुल उस तरह का है। और स्लीवलेस है इसलिए अगर आप ऐसे पहनना चाहें तो ऐसे भी पहन सकते हैं, बट इसके साथ में आपको जैकेट भी मिल रहा है इस तरह का एम्ब्रॉयडर्ड वाला। सो सेम कॉटन की फैब्रिक में ये जैकेट मिल रहा है, तो ये भी बहुत ही ईजी टू वेयर और कम्फर्टेबल है। सो आप आराम से इसके ऊपर में से पहन सकते हैं और लुक बहुत अच्छा आता है। इस तरह के कुर्ताज जो है वो काफ़ी कम मिलते हैं, मतलब डिज़ाइन वाले, तो मुझे ये वाला जो है ये पीस भी बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसमें बहुत सारे कलर्स भी लिए हैं। ये प्योर कॉटन की फैब्रिक में है तो बहुत ही अच्छा है, आने वाले समर सीजन में ये बहुत काम आएगा। तो आप चाहें तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं या इसमें कोई दूसरा कलर आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम देख लेते हैं कि मीशो जो है वो किस तरह से वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे दिए हुए लिंक से मीशो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, जिससे कि आप 30% या 40% प्रोडक्ट दिखने लग जाएगा ऑफ होकर। और उसके बाद जो मीशो ओपन होगा तो कुछ इस तरह का होम पेज आपको दिखाई देगा। यहीं पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, जैसे कि जो नया कलेक्शन है या फिर जो ज़्यादा रीसेल हो रहा है या लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो आप यहाँ से भी कुछ भी चाहे तो रीसेल कर सकते हैं या अपने लिए बाई कर सकते हैं। शेयर नाउ का ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, या फिर आप कैटेगरीज में जाकर कुछ भी स्पेसिफिक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे चुन सकते हैं होम डेकोर के आइटम्स, कुर्ताज, कुर्ती, साड़ियाँ, या फिर आप मेन्स वेयर, किड्स वेयर, होम डेकोर के आइटम्स, ज्वेलरी, कुछ भी चाहे तो चुन सकते हैं। बट मान लीजिए होम पेज से ही आपको कुछ पसंद आ गया है अपने लिए या रीसेलिंग करने के लिए, तो हम उसे देख लेते हैं। मान लीजिए ऊपर में ये साड़ी आपको पसंद आ गई है, तो अगर आप रीसेलिंग करना चाहते हैं तो ये शेयर नाउ का बटन दबाएंगे, तो जैसे ही आप शेयर नाउ का बटन दबाएंगे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर पाएंगे इसके सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको रीसेलिंग करनी है तो इसमें साड़ी की पिक चली जाएगी और प्राइस नहीं जाएगी, बाकी साड़ी कितने मीटर है, किस कलर की है, किन किन कलर में अवेलेबल है, सब कुछ कस्टमर के पास चला जाता है इन्फॉर्मेशन। प्राइस नहीं जाती है ताकि आप अपने मन से मार्जिन ऐड कर किसी से सेल कर सकें, बट अगर आप अपने लेना चाहते हैं तो भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर दीजिए। और अगर रीसेलिंग करना चाहते हैं तो भी ऐसे ही करना है, आपको ऐड टू कार्ट कर देना है और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं इस तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन भी कॉपी करके आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं रीसेलिंग के लिए। उसके बाद आप कार्ड चेक करेंगे और आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑनलाइन, कैश ऑन डिलीवरी, पेटीएम, जैसे भी चाहे आप पेमेंट कर सकते हैं या आपका कस्टमर जैसे भी चाहता है। कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर प्रोसीड कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड टू मार्जिन का कॉलम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो उसमें आपको मार्जिन ऐड करना है। अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं तो जो प्राइस है 737 रुपीज़ वही आप यहाँ लिख सकते हैं, बट अगर आप रीसेलिंग कर रहे हैं तो आपने जितने कस्टमर को बढ़ा के बताया है जैसे कि 837 रुपीज़, तो वो आप लिख दीजिएगा। इससे जो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है वो आपका मार्जिन रहेगा। जैसे ही कस्टमर प्रोडक्ट को रख लेता है और रिटर्न पीरियड खत्म हो जाती है तो ये जो 100 रुपीज़ है वो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। उसके लिए आपको अपने अकाउंट सेक्शन में जाकर माई बैंक डिटेल्स में बैंक डिटेल्स फिल कर देनी होगी, ताकि जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ सके और आप अच्छे से रीसेलिंग कर सके, या फिर अपने लिए भी अगर आप चाहते हैं कंफर्टेबल है तो कुछ भी बाई कर सकते हैं, सब कुछ काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।